बीजेपी ने आने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए तैयारियां शुरू कर दी है और फिर चाहे वो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो या फिर आने वाला लोकसभा चुनाव। विधानसभा चुनाव की बात करें तो खास तौर से मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तैयारियां जोरों शोर से चल पड़ी हैं। और इस बीच बीजेपी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कुछ उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी है। अगर 5 राज्यों की बात करें तो सिर्फ मध्य प्रदेश ही ऐसा राज्य है जहां पर भाजपा सत्ता में है, अन्यथा राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का शासन है। मध्य प्रदेश की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान ने कई कल्याणकारी योजनाएं और अपने यहाँ शुरू कर दी हैं और इन्हीं स्कीमों के प्रचार प्रसार के साथ वापस सत्ता में आना बीजेपी कोशिश कर रही है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में इस तरह की स्कीमें जो कि कांग्रेस सरकार ने लागू किए हैं वो बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। यानी ये कह सकते हैं कि जिन स्कीमों के सहारे एमपी में फिर से भाजपा लौटने का प्लान बना रही है वही स्कीमें राजस्थान और छत्तीसगढ़ में उसके लिए परेशानी का सबब बन सकती हैं। सूत्रों का ये कहना है कि पार्टी का संगठन और सीएम शिवराज सिंह चौहान की ओर से शुरू की गई कल्याणकारी स्कीमें इसी के जरिए भाजपा सत्ता विरोधी लहर को काबू में करने की कामयाब होने की कोशिश कर रही है। संक्षेप में आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री की शुरू की गई लाडली बहन योजना के बारे में बता देते हैं, जिसमें कि 23 से लेकर 60 साल की आयु की अविवाहित महिलाओं को उनके वित्तीय सशक्तिकरण के लिए हर महीने 1,000 की राशि दी जाती है। ये और इस तरह की तमाम योजनाओं को लेकर भाजपा चुनाव मैदान में उतरी हुई है, लेकिन इस तरह की दूसरी योजनाएं छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी भूपेश बघेल और अशोक गहलोत को लेकर चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। तो ये जो योजनाएं हैं वो बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश में वरदान तो साबित हो रही हैं, लेकिन वही योजनाएं राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पार्टी के लिए परेशानी का सबब बन सकती हैं। मध्य प्रदेश में ज़्यादातर सीटों पर भाजपा ये चाहती है कि जो मुश्किल सीटें हैं वहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय हो। संगठनात्मक स्तर पर बीजेपी मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करके निगरानी सावधानी से कर रही है और इन सब के बीच पार्टी ने अपने बड़े नेताओं को, बड़े चेहरों को उतारना शुरू भी कर दिया है, जिसमें कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव को प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर को भी बड़ी जिम्मेदारी मिली है और मध्य प्रदेश में वो बड़ी जिम्मेदारी निभा भी रहे हैं। संयोजक के रूप में नरेंद्र सिंह तोमर को भाजपा ने आगे किया हुआ है, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। आंतरिक मतभेदों को दूर करके पार्टी ये चाहती है कि मजबूती के साथ मध्य प्रदेश में मुकाबला देखने को मिले। हालांकि मध्य प्रदेश में बीजेपी को भरोसा है कि शिवराज सिंह चौहान की जो लाडली बहना योजना और सब्सिडी जैसी तमाम योजनाएं हैं वो चुनाव में बीजेपी को फायदा देंगे, लेकिन यही सारी योजनाएं हैं जो कि कांग्रेस की सरकार राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अगर कर दे तो वो बीजेपी के लिए घातक भी साबित हो सकती है। हालांकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ की कहानी अलग अलग है। इन दोनों ही राज्यों में मुख्यमंत्री गहलोत और सीएम भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकारों की कल्याणकारी स्कीमों से बीजेपी खेमे में कुछ टेंशन तो दिख रही है। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो राजस्थान में जहां बीजेपी अपनी संभावनाओं को लेकर आशावादी बनी हुई है, तो वहीं पार्टी चिरंजीवी योजना की लोकप्रियता से चिंतित है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी नेता के हवाले से ये कहा गया है कि चिरंजीवी की व्यापक कवरेज और लोकप्रिय सार्वजनिक प्रतिक्रिया ने राजस्थान में कांग्रेस का मनोबल बढ़ा दिया है। पार्टी को इसका मुकाबला करने के लिए रणनीति भी बनानी होगी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।